Why Aman has been removed as a coach? Because the team wanted a different thing. See, it depends on the team's comfort and how much professionalism they want. Aman was really maza aa raha tha uske saath. And उसके बाद वी वॉन्टेड समवन मोर प्रोफेशनल सो वी वेंट फॉर अ डिफरेंट पर्सन. अमन को हमने बोला भाई तू फोकस कर ऑन योर स्ट्रीमिंग एंड एवरीथिंग एंड तू देख तुझे क्या करना है. कोच वोच तू बाद में कर सकता है, इतनी जल्दी नहीं है कोच. ही डिड अ ग्रेट थिंग टू किक स्टार्ट फॉर दिस लाइनअप. ही वॉज द वन हु स्काउटेड मोस्ट ऑफ द 7 प्लेयर्स फॉर अस. जो हम लोग ने एक्चुअली 7 प्लेयर्स स्काउट किए थे, उनमें से ये 4 का लाइनअप बनाया था. एंड दोज ऑल 7 वर अमन्स रिकमेंडेशन. इनफैक्ट थक एंड गोल्डी भाई का भी थक का भी था जो हमारे लाइनअप में है, एंड अमन का था. बस लाइनअप बनाने में मोस्टली मैं सिड थे मैं था. एंड दिस लाइनअप रियली साउंडेड सो गुड. बस सुन के ये लाइन अप एंड अमन वाज लाइक हाँ भाई सही बोल रहा है, तो मज़ा आ गया था. इट वाज अ टीम साथ में हम लोगों ने बनाया ये लाइन अप. सब लोगों ने ऐसा ऐसा रोल प्ले किया ना जिसके बिना ये टीम बनती नहीं. सच बोल रहा हूँ मैं, एक एक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो सिड हो, चाहे वो थग हो, चाहे वो गोल्डी भाई हो, चाहे वो अमन हो या मैं हूँ. लिटरली